हमारी कॉलोनी के ही कलाकार जो होते हैं, इसमें हमारा कोई बाहर का कलाकार नहीं होता है, सिर्फ कॉलोनी के ही लोग हम लोग होते हैं जो हमें। अभी माँ दुर्गा कमेटी रामलीला वैशाली पहुँच चुके हैं और हमें महाबाबू मिले और जिनका रोल आज रावण का, ये बताएंगे रावण का रोल कब से कर रहे हैं और आज इनका रावण का रोल देखिए और अपना कमेंट फीडबैक दीजिए कि कैसे रोल कर रहे हैं, अपना परिचय संक्षिप्त में। मेरा नाम प्रहलाद सिंह रावत, मैं पौड़ी गढ़वाल का रहने वाला हूँ। मैं माँ दुर्गा रामलीला कमेटी में विगत 15 वर्षों से रावण का रोल अदा कर रहा हूँ। यहाँ पे बहुत अच्छा माहौल है, पब्लिक भी काफ़ी रहती है, अच्छा सहयोग मिलता है सबका, सब भाईचारे से सब लीला का आनंद उठाते हैं, बाकी माहौल सब यहाँ पे बढ़िया है। तो आज रोल है आपका? आज रोल है, आज अंगद रावण संवाद है, कल लंका दहन हुआ था और आज अंगद रावण संवाद है और ये अपने हमारे भाई मानेला ग्रुप वाले हैं, इनका बहुत सहयोग है यहाँ पे। आप सब जगह यूट्यूब पे चैनल पे देख सकते हैं हमारी रामलीला यहाँ की। और भीड़ का सारी भीड़ बहुत हो रही है, पब्लिक काफ़ी आती है, भीड़ काफ़ी अच्छी होती है यहाँ पे। और नहीं कल दशहरा है, कल तो पुतला दहन भी होता है हमारे यहाँ और परसों भरत मिला वो ये राम वापसी हुआ वो दिखाया जाएगा, तो परसों भी लीला होगी, बाकी सब यहाँ पे अच्छा चल रहा है। आपका किस रोल, आपका नाम परिचय? मेरा नाम विशाल बिष्ट है। कहाँ रहने वाले? उत्तराखंड से हूँ, बागेश्वर। अभी नारद का रोल किया था मैंने और गुरु वशिष्ठ का भी किया था, बहुत अच्छा लगा। तो आज रोल है आपका? आज तो रोल नहीं है, कल या परसों में होगा गुरुवर। तो मैं एक भजन सुनाना चाहूँगा रामलीला के उपलक्ष में। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणम जानकी बल्लभम, कौन कहते हैं भगवान आते नहीं, हमें मीरा के जैसे बुलाते नहीं। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणम जानकी बल्लभम, कौन कहते हैं भगवान खाते नहीं, कौन कहते हैं भगवान खाते नहीं, बेरसबरी के जैसे खिलाते नहीं। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणम जानकी बल्लभम, कौन कहते हैं भगवान सोते नहीं, कौन कहते हैं भगवान सोते नहीं, माया सोदा के जैसे सुलाते नहीं। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणम जानकी बल्लभम, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, काम करते चलो नाम जपते चलो, काम करते चलो नाम जपते चलो। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणम जानकी बल्लभम। बोलिए रामचंद्र भगवान की जय। आपका क्या रोल है रामलीला में? मेरा नाम रमेश सिंह नयाल है और मैं पौड़ी गढ़वाल से हूँ। यहाँ पे मैं विगत 2007 से रामलीला खेल रहा हूँ। मैंने पहले कई रोल अदा किए, मेघनाथ, वाणासुर, कुंभकर्ण आदि के इत्यादि रोल मैंने बहुत निभाए यहाँ पे, और फिलहाल मैं 3-4 सालों से कुंभकर्ण का ही रोल अदा कर रहा हूँ। और राम दुर्गा रामलीला कमेटी में जो पब्लिक है उसका भी काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है, भीड़ बहुत है बहुत, और मैं आप लोगों का भी बड़ा दिल से आभार व्यक्त करता हूँ जो आप लोगों ने हमको ये मौका दिया इंटरव्यू देने का। और बाकी सारे कलाकार हमारे और कमेटी के जितने भी मेंबर हैं वो अपने तन मन धन से यहाँ पे लगे हुए हैं और इसको अच्छे से अच्छा करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं यही बस अपने शब्दों को विराम देता हूँ और हर साल गत साल हम और प्रोग्रेस करेंगे, अच्छे से अच्छी रामलीला दिखाएंगे। ये हमारा हुआ है, ये हमारी 29वीं वर्ष की रामलीला है और इसके हमारे जो अध्यक्ष हैं श्री दिनेश लगेड़ा जी, उन्हीं के उसमें ये कार्यक्रम चलता है, बहुत बढ़िया चलता है।
बहुत बहुत धन्यवाद कीमती समय देने के लिए हमारे। जय बजरंग बली हनुमान, जय बजरंग बली, और सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार और राम राम। सबसे पहले मनीरला जो ट्विंस है, हमारा एक ग्रुप है जो उत्तराखंड का हमारा धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रम सबको दिखाते रहते हैं, तो ये बहुत अच्छी खुशी की बात भी है कि देखो अपने लोग जो उत्तराखंडी और पहाड़ी लोग होते हैं तो अपनी अपने कल्चर, अपने प्रोग्राम और अपनी रामलीला जो भी हमारे धार्मिक दुर्गा पूजा वगैरह होते हैं दिखाते रहते हैं, तो ये सबसे बड़ी इनकी अच्छी बात है। दूसरी बात मैं कहता हूँ कि जो हमारी रामलीला है इस समय 2900 साल की रामलीला है और आज हमारा 9वां दिन है रामलीला का। आज 9वें दिन की लीला भी आप लोगों की हमारी पूरी दिखाएंगे, लगातार ही दिखाते आ रहे हैं हम लोगों की लीला को और आप लोग देख रहे हैं। मैं क्योंकि मैं भी इस चीज़ से देख रहा हूँ कि आप लोग भी इनके जितने भी सब्सक्राइब हैं सब लोग इनके उसको लीला को पूरी देख रहे हैं, तो बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं हम आपके जितने भी सब्सक्राइबर हैं उनका भी बहुत आभार प्रकट करते हैं कि हमारी लीला को देख रहे हैं घर बैठे। और हमारे उन जो 2900 साल की रामलीला है इसमें हमारी कॉलोनी के ही कलाकार होते हैं। सबसे पहले मैं आपको बड़ी सबसे ये विशेष खास बात बताना चाहता हूँ कि जो हमारी ये माँ दुर्गा रामला कमेटी वैशाली सेक्टर 2 में जो हमारी लीला होती है ये हमारे घर के ही सारे कसें और सब लोग ड्यूटी करने वाले होते हैं। मैं भी देखो अभी ड्यूटी करके आ रहा हूँ और अब सीधा तैयार फटाफट मेकअप जल्दी से जल्दी मेकअप करूँगा और अपना हनुमान जी का रूप तैयार करूँगा। तो ये ऐसे सारे हमारे कलाकार हैं, कॉलोनी के कलाकार हैं, कोई बाहर के कलाकार नहीं है। ये हमारी अपनी मेहनत से पूरी 2 महीने हमारे इसको इस लीला को दिखाने में लगते हैं क्योंकि 1-1.5 महीने हमारे रिहर्सल में लगते हैं, उसमें भी हम भागम भाग दौड़ करके ड्यूटी से आते हैं और फिर रिहर्सल जाते हैं, रिहर्सल करते हैं और रिहर्सल करने के बाद भी हम जो लीला दिखाते हैं इसमें भी ऐसे हम भागम भाग करके यहाँ पे आते हैं। अभी भी मैं भाग भाग के ड्यूटी से फटाफट इतनी जल्दी आया हूँ कि भागते भागते मैं अपने मेकअप करूँगा और फिर ठीक अभी 8:30-9 बज गए हैं और 9:30 बजे से हमारी लीला शुरू होगी यहाँ पे, तो आधा घंटे में हम फटाफट मेकअप करेंगे, जल्दी से तैयार होंगे, सब कुछ हमारा रेडी होता है। कलाकार जितने भी हमारे कार्यकर्ता पदाधिकारी कलाकार हैं सब नौकरी करने वाले हैं, तो सबसे ये बड़ी बात मैं आपको बताता हूँ हमारी लीला के हमारी कॉलोनी के ही कलाकार जो होते हैं इसमें हमारा कोई बाहर का कलाकार नहीं होता है, सिर्फ कॉलोनी के ही लोग हम लोग होते हैं जो हमें अपनी लीला को दिखाते हैं। और बहुत बहुत धन्यवाद प्रकट करता हूँ मैं मनीरला प्रिंस को कि हमें आज भी हमारी लीला दिखाएं, कल भी उन्होंने मेरा हनुमान जी का पूरा लीला दिखाई, हमने आपको यूट्यूब में भी देखा होगा, आप देखें इनके चैनल को और सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट जरूर करें कि कैसी लीला हो रही है हम लोगों की। और आज भी अब हमारी पूरी लीला दिखाएंगे, आज हमारी लक्ष्मण शक्ति है, हनुमान जी कैसे संजीवनी बूटी लाते हैं आज ये आपको पूरा दिखाएंगे। धन्यवाद सभी श्रोताओं को, जय श्री राम, जय बजरंगबली।